So, hello friends, today we will discuss about the manometer and the barometer. ठीक है, तो barometer जो है that is used for the measurement of measuring air pressure. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक यू शेप ट्यूब लेते हैं और इसमें मरकरी जो है यहाँ पर फिल, तो एवरी एक्शन इज ओन रिएक्शन. यहां से जो है आपकी एयर प्रेशर लगाती है और यहां पर जो है आप ऊपर ये वैक्यूम मान के चलते हैं. ठीक है, तो इस एक्शन की जो रिएक्शन होती है वो यहां पर होती है जिसकी वजह से मरकरी ऊपर जाता है और इतनी हाइट तक जाता है कि वो इस फोर्स को बैलेंस कर लेता है. ठीक है, तो ये जो है आपकी हाइट जो होती है जब ये आपकी स्टेबल हो जाती है तो दैट हाइट इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर और 760 एमएम ऑफ एचजी के इक्वल होती है. ठीक है, तो इस हाइट पे जो मरकरी का प्रेशर है, वेट का जो प्रेशर है, वो इस एयर प्रेशर को बैलेंस कर लेता, तो इसलिए हम एयर प्रेशर को हम इसके इक्वल भी कह देते हैं. ये आपका जो है बैरोमीटर होता है. इसका आप नेक्स्ट वीडियो में एनिमेशन भी देखेंगे और उसमें ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी. तो प्रेशर जो है आपका जो एयर का प्रेशर है उसको नॉर्मली हम लोग 180 एमएम कह देते हैं या 760 एमएम ऑफ एचजी भी कह देते हैं. यदि इसको हमारे को पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो इसको 760 डिवाइड बाय 1000 इंटू 13.6 इंटू 10 इज पावर 3 इंटू 9.8 कर देते, यानी P बराबर आपका एच डी जी. एच मीन्स हाइट, डी मीन्स डेंसिटी एंड जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब आप ये कहेंगे कि भाई ये फार्मूला आपका कैसे आया, तो आप जानते ही हैं F is equals to और P is equals to F upon A होता है. ठीक है, और आपका जो है F is equals to mg और m is equals to d into v density into volume और v is equals to area into height. ये वैल्यूज में पुट करी हमने v में, तो d into a into h हो गया आपका. और यहां पर आप एम की वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो गया आपका d इंटू ए इंटू एच इंटू जी होगा. ये वैल्यू आपने यहां पर पुट करी तो f की ठीक आ गया d इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइड बाय a इज ए कैंसिल, p बराबर आपका एच डी. तो इस वैल्यू का आप कैलकुलेट करते हो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको जो है हम 1.10325 बार मीटर देते हैं या 760 टॉन. ठीक है, तो प्रेशर की ये सभी यूनिट्स जो है आपको यूज करनी होती है, एक का दूसरे में कन्वर्जन करना होता है, तो ये आपके सिंपल बैरोमीटर का जो है वर्क. We're going to make a barometer. And what I have here is a glass tube that's about 800 millimeters long. And I've filled it with mercury almost to the top. And I'm going to finish filling it so that I get filled all the way to the very top. And then I'm going to put my finger over the end and I'm going to invert it into the mercury. I'm going to set it here and use our clamp to hold it. Now, what's keeping this mercury column so high? It's that atmospheric pressure pushing down on the mercury, pushing this up. And let's see how tall our column is. 744 millimeters. It doesn't matter what size the diameter of our tube is, as long as it's relatively small. You can see this one's really small. I have another one that's almost twice the diameter of this one.
You can see that the level is the same in both tubes. What we're going to do is compare this crooked barometer to the barometer that we already have. And notice it rises to the same level. अब आपका ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई बैरोमीटर में मरकरी ही क्यों लेते हैं? आप वाटर क्यों नहीं ले सकते या कोई और चीज क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मरकरी ही एक ऐसी मेटल है जो आपकी लिक्विड है, तो इजीली आपकी फ्लो कर सकती है रूम टेम्परेचर पर. दूसरा, वाटर जो होता है, एक तो आपका लिक्विड है, कलरलेस, मरकरी आपकी शाइनिंग होती है तो उसके हमें पता लग जाता. दूसरी बात, मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज्यादा. तो वाटर यदि एयर प्रेशर के आप अगेंस्ट लेंगे तो बहुत बड़ी हाइट लेगा, जबकि मरकरी इतनी हाइट नहीं लेगा. तो वाटर कितनी हाइट लेगा, ये क्वेश्चन राइज होता है. यदि मान लो वाटर का बैरोमीटर बनाए तो उसके लिए आप लगा सकते हो ये इक्वेशन की एच वन बी वन जी इज इक्वल टू एच टू डी टू जी. मतलब मरकरी का वो ले लो हाइट, डेंसिटी ऑफ मरकरी ले लो इंटू जी, वाटर की ले लो डेंसिटी ऑफ वाटर ले लो जी. तो इसकी आपकी 76 सेंटीमीटर होती है और डेंसिटी मरकरी की 13.6 होती है. जी से जी कैंसिल हो गया, वाटर की हाइट निकालनी है, और हमने इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएम. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा उतने सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट जो है आपके वाटर कॉलम की होगी मरकरी की. तो आपका जो है बॉटम पे कितना, मान लो ये तीन पॉइंट है आपके ए बी और सी, इन पर कितना प्रेशर होगा. तो पी ए जो पॉइंट है यहाँ पर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, तो मान लिया हमने 180 है. ठीक है, पी बी पर कितना प्रेशर होगा, ऊपर की हाइट का नीचे प्रेशर लगता है. ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले को प्रेशर लगाते हैं लेकिन नीचे वाले ऊपर पे प्रेशर नहीं लगाते. पी बी इज इक्वल टू 180 प्लस एच टू डी टू जी. इसको आप एटीएम से कन्वर्ट कर लीजिएगा. ठीक है, और पी सी क्या हो जाएगा आपका 180 प्लस ये दोनों हाइट का प्रेशर, 1 प्लस एच वन डी वन एच टू सॉरी डी टू जी प्लस एच वन डी वन जी. पॉइंट ऑफ द लिक्विड पर जो है आपका क्या प्रेशर होगा, ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी हाइट क्या है. मान लीजिए यदि एच वन इज इक्वल टू एच टू हो सकता है तो आपका ये पॉइंट होगा बी. यदि एच वन इज ग्रेटर देन एच टू है, ठीक, और दूसरा केस ये हो सकता है कि एच टू इज ग्रेटर लेस देन एच वन, तो सॉरी एच वन इज लेस देन. तो इसमें पहले वाले में ये डायग्राम बनेगा आपका, एच वन ग्रेटर है एच टू से, ये मिड पॉइंट यहां पर आएगा आपका. दूसरे में आपका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये एच टू है और ये. तो इसमें जो प्रेशर होगा इस हाइट का तो वही होगा प्लस इस हाइट का और होगा, और ये हाइट क्या होगी आपकी एच वन में से माइनस करते हैं. तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा मान लो पॉइंट डी है, तो पी डी इज इक्वल टू 180 तो वही होगा प्लस एच टू डी जी प्लस आपका जो है एच वन माइनस एच वन प्लस एच टू बाई टू. ठीक है, और ये आपका डी टू था डी वन जी, इसमें ये आपका प्रेशर जाएगा. अब मान लीजिए पॉइंट आपका ई है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कितना जाएगा आपका पी ई 180 प्लस एच वन प्लस एच टू बाई टू इंटू डी इंटू जी, ये आपका प्रेशर. तो ये आपके दो इमिसिबल लिक्विड्स का. अब यही दो मिसिबल लिक्विड हो जाए तो क्या होगा? सो आपका एक क्वेश्चन है कि भाई टू कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं आर विद दैट शो. ठीक है, जिसमें एक की डेंसिटी h1 है, डेंसिटी और डेंसिटी d1 है, हाइट h1 है, दूसरे लिक्विड की आपकी डेंसिटी h2 है और d2, और दोनों को मिक्स कर दो. तो मिक्स करने का मतलब लेजर तो आपको ऐसे नजर आएंगे नहीं,
ठीक है, तो ये भी आपको लेयर नजर आएगी। तो इसमें जो है आपका बॉटम पे फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये हमारे को निकाल। और यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है और फाइनल वॉल्यूम V3 है, तो V1 प्लस V2 = V3 वाली कंडीशन भी फॉल हो गई और तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम। ठीक है, तो जैसे आपके वॉल्यूम चलो यहाँ पर है, मास तो होने ही होने, ठीक है, मान लीजिए इसका मास M1 है, ठीक है, इसका दूसरे का मास आपका M2 है और इसका मास M3, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मास क्या हो जाएगा आपका V1 और आपका V1 प्लस D2 V2 = M3 में मान लीजिए हमने D फाइनल रख दी डेंसिटी और V3 रख दिया आपका, ठीक है, तो जो है ये आपका आ जाएगा V3, ठीक। तो आपका जो M3 = हो गया और डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, और ये V1 + V2 है, तो डेंसिटी फाइनली क्या हो जाएगी आपकी V3 आपका V1 + V2 है। अब आप जानते हो कि भाई V1 = क्या है, A×H1, V2 = क्या है, A×H2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें तो A इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका अल्टीमेटली बचेगा H1D1+H2D2/H1+H2। ये आपकी डेंसिटी फाइनल का हमारा एक्सप्रेशन बचेगा। अब आपको प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी P = HDG का फॉर्मूला लगा देते हैं, H1 + H2 हो गया और डेंसिटी फाइनल आप रख दीजिए × G, तो आपका P = क्या जाएगा H1 + H2 और इसकी वैल्यू रख दी हमने H1D1+H2D2/H1+D1 × G, तो ये आपका H1 से H2 कट गया और 1 ATM आपका ऑलरेडी प्लस रह ही रहेगा, ठीक है, इसमें भी आपको 1 ATM एयर का जो प्रेशर है वो प्लस रह ही रहेगा, तो नेट प्रेशर आ जाएगा 1+H1D1+H2D2, ठीक है, और × G, ये आपका इस केस में नेट प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि H1 हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, तो H1/2 हाइट आपकी बॉटम से यहाँ पर ये मान लिया हमारे ये है, ठीक है, H1/2 हाइट, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ऊपर वाली हाइट लगाएंगे आपकी, तो P आपका जो ऊपर की हाइट होगी वो कितनी बचेगी, दैट इज H1 + H2 - H1/2, दैट इज इक्वल टू H2 + H1/2 और P = HDG का 1+HDG का आपके फार्मूला, तो 1 है +H2 + H1/2, डी की वैल्यू ये रख दीजिए H1D1H2D2/H1+H2 ×, ये आपका जो है फाइनल प्रेशर किस हाइट पर होगा, दैट इज योर